पागल तो क्यों डर रहा है? हमने कौन सा अपने असली नाम बताए थे? हमने कोई प्रूफ भी तो नहीं छोड़ा। मामा अगर इस तरह टीवी पे देखे तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इमरा के घर वाले भी पता नहीं क्या चाहते हैं। पैसे वाली बीवी हो, पैसा हाथ में हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मां अगर मुझे उस बुढ़िया के पांव पकड़ने भी पड़े ना तो मैं पकड़ूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर उस बुढ़िया को यकीन होना चाहिए कि मैं शरीफ लड़का हूँ। करती हूँ, लड़ाती हूँ कोई तरके। पहले तो इस ना मासी का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है हर वक्त हमारे टो में लगी रहती है। तू निमरा को फोन करो, से बात करो, से अपनी मोहब्बत का यकीन दिला। कहते हैं ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा खासी। इसको अपनी मोहब्बत में पागल कर निमरा को, फिर ये दादी चाचा कुछ नहीं कर सकेगा और ये खबरें कुछ नहीं बिगाड़ेंगी हमारा। बात कर उससे जाके। मैं कॉल करता हूँ उसे। इस गोगी का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लड़के इंसाफ के लिए भटक रही है। एक शख्स ने शादी के नाम पर इससे फ्रॉड किया है और इनकी तमाम जमा पूंजी लेकर भाग गया है। और इस शातिर इंसान ने ये काम अपनी माँ के साथ मिलकर किया है। बहन, क्या आप उस शख्स का नाम बता सकती हैं? उस आदमी ने हम सबसे अपनी असली शनाख्त छुपाई है, हमें नहीं पता। कोई तस्वीर होगी आपके पास? नहीं, मेरा फोन इतना अच्छा वाला नहीं है, उसका कैमरे का रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं है। वो हमेशा ऐसे करते थे कि अपने ही फोन से पिक्चर्स बनाते थे और हमें ये कहते थे कि वो बाद में सेंड कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। कोई पिक्चर नहीं भेजी, बस एक मेरी कजन है, उन्होंने अपने फोन से एक पिक्चर बनाई थी, वही है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखे। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं ये है वो शख्स जिसने इस लड़की की जिंदगी तबाह की। ओफो, ये तो निमरा अपना फोन भूल गई। कामिल भाई की कॉल आ रही है, चलो बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कामिल भाई? वालेकुम अस्सलाम, माजर चाहता हूँ, मैंने पहचाने नहीं, आप कौन? मैं फरीन बात कर रही हूँ, निमरा ने मेरा बताया ही होगा आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल, निमरा तो अक्सर आपका जिक्र करती है। अच्छा, क्या जिक्र करती है, क्या बात करती है आपसे मेरे बारे में? अरे यही कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत तारीफ करती हैं। क्या वो आपसे मेरे बारे में भी कोई बात करती हैं? जी करती हैं, लेकिन उनकी दोस्ती नौरीन बाजी से ज्यादा है, तो उनसे ज्यादा करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे निमरा से बात करा दें प्लीज। वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो कहाँ गई है? मतलब मोबाइल घर पे होगा तो आसपास ही होंगी ना? हाँ, उन्हें नौरीन बाजी के साथ बाजार जाना था और फोन चार्ज नहीं था, तो वो घर छोड़ के चली गई। अच्छा, तो अंदाजन कब तक आ जाएंगी? नौरीन बाजी की शादी हो रही है ना, उन्होंने तो बताया ही होगा आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिक्र किया था मुझसे। तो बस इसी सिलसिले में बाजार गई है, थोड़ी देर तो लगेगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे निम्रा क्या अपनी शादी की भी तैयारी कर रही है, मतलब कोई शॉपिंग वगैरह कर रही है या सिर्फ अपनी कजिन की ही? नहीं, अभी तो सिर्फ नौरीन बाजी की शादी की तैयारी हो रही है। आप डेट तो फिक्स करें, फिर आपकी शादी की भी तैयारी शुरू कर देंगे। अरे अगर मेरा बस चले, मैं तो आज ही रात को बारात ले आऊं। वाकई इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती, थोड़ा टाइम तो दे, हम भी आकर दुल्हन की बहने हैं, हमारा भी तैयारी करने का पूरा हक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का ही तो हक है। अब वैसे कोई दादी से जिक्र हुआ? कब तक इरादा रखती हैं हमारी शादी की वो, मतलब कोई तारीख वगैरह के बारे में कोई जिक्र? अरे भाई, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपकी क्या दादी जान से बात नहीं होती? अरे नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, मैं तो बस वैसे यूं ही पूछ रहा था।
चले, जब निम्रा आए तो उनको बता दीजिएगा कि मैंने कॉल की। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कैसी हो? कैसे आना हो? अम्मा जी, मैं आपकी तबीयत का पूछने आई। कैसी हैं आप? मेरी तबीयत, जिस दिन से तुम लोगों से नाता जोड़ा है ना, वो हाल है कि पूछो ही नहीं। अम्मा जी, आप भी तो इस बात को समझे। कुछ लोग नहीं चाहते कि ये रिश्ता कामयाब हो। शायद इसी में उनका मफाद है। वो चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता निम्रा पूरी जिंदगी यही कमारी रह जाए। देखिए अम्मा जी, अगर आपने रिश्ता किया है तो दिल भी बड़ा कीजिए। अगर इसी तरह आप लोगों की बातों पर ध्यान देती रहेंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अब तो दोनों बच्चों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, एक दूसरे को पसंद करने लगे, बेचारों का दिल टूट जाएगा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, कामिल ने मुझे इतना मायूस किया है कि क्या बताऊं। अरे आप कब आई हैं? अम्मा जी, इससे आप अकेले कैसे निपट सकती हैं? ये तो 2 मिनट लगाएगी अपनी लच्छेदार बातों से आपको उलझाने में। मुझसे बात करो, मुझसे। अरे इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम घुसी चली आ रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं यहाँ अम्मा जी से मिलने आई हूँ, उनका हालचाल पूछने आई। मैंने दिल से इन्हें अपनी माँ माना है। आप हैं कौन? आपको तो मैं जानती हूँ। हाँ, अलबत्ता मैंने अपने बेटे और बहू की शादी पर आपको कहीं पीछे खड़े देखा था। ये निम्रा के लिए अचानक से आपके दिल में मोहब्बत कैसे जाग उठी? अम्मा जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये हमारे घर का मामला है, ऊंच नीच तो हो ही जाती है, मांस कभी तन से जुदा नहीं होता। और तुम क्या रोज मुंह उठाकर चली आती हो? क्यों अम्मा जी, मैं ठीक कह रही हूं ना? अभी तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं पैगाम भिजवा दूंगी। सुना नहीं तुमने अम्मा जी क्या कह रही है? बिला वजह हमारे घर में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम चुप करके बैठो, मैं अम्मा जी से बात कर रही। दरअसल अम्मा जी, अम्मा जी का आराम के टाइम है। चलो उठो यहाँ से। चारिया, तुम अपनी कमेंट्री बंद करो। आप दोबारा मत आना हमारे घर। आंटी क्यों नहीं आई? क्यों, मैं तुमसे मिलने अकेली नहीं आ सकती क्या? तुम शहर में नहीं थे ना हारून, तो पूरा शहर एकदम सूना सूना हो गया था। अब वापस आ गए हो तो जिंदगी लौट आई। तुमने मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। अब गैरों की तरह थैंक यू तो मत बोलो, तुम्हें पता है मुझे कितना इंतजार था तुम्हारी वापसी का। आंटी कैसी हैं? कैसी होंगी हारून, घर की तलाश में मारी मारी फिरती रहती हैं। और ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रही कि तुमने पूछा है। अपने घर वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं हारून, हम छोटे लोग हैं ना, हमें इन सब बातों का आदी होना चाहिए था। ये इज्जत नाम का लफ्ज ना, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। ऐसी बातें मत करो साक्षी। भाई साहब, अगर आप बताकर आते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। देखिए, हम चाय पीने या खाना वाना खाने नहीं आए जो इत्तला दे के आते, सीधी और साफ बात करने आए। सादिक भाई, हमसे आप बात कीजिए। जमशेद भाई तो हमेशा कड़वी बात करते हैं, वैसे भी लड़की के वली आप हैं।
उस वक्त हर काम में आगे आगे हमने आपको देखा था, आप बात कीजिए। जमशेद भाई ठीक कह रहे हैं, हमारा यही फैसला है कि अब इस रिश्ते को मजीद आके लेके चलना मुमकिन नहीं है। आया भाई साहब, ऐसा क्या हो गया है? कामी बच्चा है, सर पर कोई वाली वारिस नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे से कोई गलती हो भी गई है तो इस उम्र के बच्चे तो गलती करते हैं ना। असल बात ये होती है कि बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाए। कामी को अपनी गलती का एहसास है ना, शर्मिंदा है मेरा कामी। कौन कौन सी गलतियों का हिसाब करेंगी आप और क्या समझाएंगी इसे? काम धंधा तो ये साफ करते नहीं है और शहर के आवारा तरीन लड़कों के साथ फिरते हैं। ये हमारी बच्ची की प्रॉपर्टी को अपना जाहिर करते हैं, ये शहर भर में अकड़ के फिरते हैं और तो और प्रॉपर्टी की कीमत भी लगवा चुके हैं। हाय अल्लाह, भाई साहब इतने घनौने इल्जामात तो ना लगाए हम पर। सादिक भाई, हम ऐसा क्यों सोचेंगे, क्यों करेंगे ऐसा? और शहर की बदनामी जमाना औरतें जो है उनके घरों में भी आते जाते देखा है लोगों ने, औलाद की भी सैर करके आए हैं। भाई साहब मैंने बताया था ना, वो तो मेरा मासूम बच्चा ऐसे ही। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है बीबी। इतनी लंबी बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए मोहतरमा, बात सिर्फ इतनी है कि अब हम इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं चल सकते। ये रहे तलाक के पेपर, साइन करवाएं इससे और बात खत्म। और हमें हक महर भी नहीं चाहिए। और भाई तुम गुंगे का गुड़ क्यों खाए बैठे हो? आओ और साइन करो, इस बात को खत्म करो। सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? भाई साहब हमें भी वक्त चाहिए, इतनी जल्दी हम भी कोई फैसला नहीं ले सकते। पानी सर से ऊंचा हो चुका है मोहतरमा। आप मेरे बुजुर्ग, आपके हुक्म की तामील मेरे पे फर्ज है। आप दोनों जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, मगर एक बात याद रखिएगा, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने तो इस रिश्ते को लेकर अपने तमाम दिल की गहराइयों से इसे निभाने की कोशिश की। पक्के एक्टर हो भाई, तो तुम्हारी अदाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी। ये कागजात यहीं छोड़ के जा रहे हैं हम, साइन करो वरना हम कल फिर आएंगे। और अगर ज्यादा टाल मटोल से काम लोगे तो हम खुला का दावा दायर करने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है हम। अगर आप यही चाहते तो ठीक है, ये मनोज कागज यहीं पे छोड़ जाइए। चले सादिक भाई चले। कामी अब क्या होगा? अरे अम्मा फिक्र क्यों करती है तू, इन्हें भी मैंने चने ना चबवाए ना, मेरा नाम भी कामिल नहीं है। निमरा मेरी बीवी है और बीवी रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले? और अम्मा इनकी सजा काटने का वक्त आ गया है, तू देख करता क्या हूं मैं इनके साथ। मुझे बताएं घर किसका है? चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारा है तो मेरे मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया आपने? मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो औरत ठीक नहीं, बल्कि मैं तुमसे भी कह रही हूं उससे बच के रहो। आपसे मशवरा नहीं मांगा और आप उनके बारे में आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। वो इस घर में आएंगी और बार बार आएंगी। हारू, इस घर में मेरी नेक सीरत बच्चियां रहती,
मैं नहीं चाहती कि सायका का साया भी उनके ऊपर पड़े। जब तक मैं इस घर में हूँ, सायका इस घर में नहीं आएगी। वाह क्या बात है आपकी, आपकी मेहमान जितने दिन चाहे रह ले, लेकिन मेरे मेहमान नहीं आ सकते। निम्रा रिश्ते में मेरी नवासी लगती है, तुम बता सकते हो उस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता? बहुत अफसोस की बात है यार, उन शतर बेमहार औरतों का मुकाबला तुम निम्रा जैसी नेक सीरत और बाकिरदार लड़की से कर रहे हो, जिसके आ जाने से इस घर में रौनक आ गई, जिसके आने से खैर बरकत के दरवाजे खुलते महसूस हो रहे हैं, और वो नाम निहाद तुम्हारी रिश्तेदार, लिबास देखा था उनका, हम औरतें भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे थे, उनके अंदाज में बेबाकी और लफ्जों में बदतमीजी, उनको तो शायद यह भी नहीं पता था कि शुरफा में रहा कैसे जाता है। आइंदा तुम निम्रा का मुकाबला उनसे नहीं करोगे। मेरा ये मतलब नहीं था, वो बहुत परेशान है, उनके पास रहने की जगह भी नहीं है। तो वो तुमसे मुस्तकिल रहने का ठिकाना मांग रही है, तुम उसकी बेटी से शादी करना चाहते हो क्या? आपसे किसने कहा? क्या हो गया आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे इज्जत और एहतराम सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि वो आंटी की बेटी, ऐसे ज्यादा कुछ भी नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र हारून, तुमने तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया, लेकिन आपने ऐसी बात कैसे कर दी? क्या समझ रखा है अपने आप को? कैसे एहसान जता रहे थे, उन्हें क्या लगता है कि अगर वो मुझे नहीं रखेंगे कोई और नहीं रखेगा? दादू ने तो मुझे जलील कर दिया है, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी, नोमी को कहूंगी कि मेरा टिकट करवा दे। कामिल की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। निम्रा तुम कहाँ पर हो? मैं कराची में हूँ अपने रिश्तेदारों के पास, और कहाँ आऊंगी? अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या हुआ कामिल, सब खैरियत है? अरे बाबा सब खैरियत नहीं है, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ। तुम्हारी दादी से कब बात हुई आखिरी? यही दो रोज पहले। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बात क्यों नहीं हुई। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत खराब होगी। हाय मेरी दादो, क्या हुआ उन्हें? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तुम्हारे चचा और चची ने मुझे सख्त मना किया कि तुम्हें कुछ नहीं बताना। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए निम्रा, तुम मुझसे फोन करके पूछो, मैं तुम्हें बताऊँ। मेरी मानो तो फौरन एक काम करो, अपना सामान बांधो, ट्रेन पकड़ो और फौरन यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा स्टेशन पे इंतजार करूंगा। कामिल दादो घर पर है या हॉस्पिटल में एडमिट है? अरे बाबा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है ना यार। तुम एक काम करो फौरन वापस आओ। अच्छा हाँ, और एक बात सुनो, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई सच नहीं बताएगा। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए निम्रा, तुम मुझे फोन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। सामान लो और फौरन पहुंचो, मैं ट्रेन स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी जी मैं निकलती हूँ, आंटी को कहना कि प्लीज मेरी दादो के लिए दुआ करें। बस जल्दी आना। हाँ अल्लाह हाफिज। ओके ये क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे थे उसे? अरे अम्मा अब आएगा ना मजा, मुझे आके कहते हैं हमारी बेटी को तलाक दो, पीछा छोड़ दो, पागल समझा हुआ है क्या? अरे इतनी मुश्किलों से ये सोने की चिड़िया हाथ में आई है, ऐसे जाने दूंगा मैं? अरे मैंने उसे ट्रेन स्टेशन पे बुलाया है, जैसे ही वो आएगी ना यूं लेके मैं उसे रफू चक्कर हो जाऊं। तू उसे लेके उड़नछू हो जाए और भले माँ को पुलिस पकड़े। हैं तू भी कितनी बेवकूफ है,
उनको किसने बताया है कि मैंने उसको कराची से बुलाया है? हाँ हाँ ये तो है। अरे अम्मा तू फिक्र ना कर, मैंने सारा मंसूबा बना लिया है। जैसी वो ट्रेन स्टेशन पे आएगी मैं उसे पिक करूंगा और शहर से बाहर चला जाऊंगा। ठीक 4 घंटे के बाद तू भी आ जा। ठीक है। अच्छा एक और बात, सारे कागजात अपने साथ रखी और मेरा निकाह नामा मत भूली। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैंने पहले ना गाड़ी भी बुक करनी है। हाँ हाँ सब रख लूंगी, क्यों परेशान हो रहा है? वैसे तूने आइडिया अच्छा दिया। अरे अम्मा तेरे को बोला था ना मैंने, चन्ने चबवाऊंगा उन्हें, चन्ने। कामिल को जानते नहीं है वो लोग। अल्लाह करे ये दादी ना असल की ऐसे ही बीमार हो जाए, लेकिन हमें क्या देना उस सठी आई हुई बुढ़िया से। बीमार हो मरे जिए हमारी बला से, हम तो उनकी पोती को लेके उड़न छो। और अम्मा याद रखी, इनकी नाक मैंने जमीन के साथ ना रगड़वाई ना तो मेरा नाम भी कामिल नहीं। लव कुछ तो मान रहना चाहे। नानी जान आप प्लीज दादा के लिए दुआ कीजिएगा। हौसला रखो बेटा, मैं तो कह रही थी कि घर में ड्राइवर है तो तुम्हें ट्रेन से जाने की क्या जरूरत है, गाड़ी से चली जाती। मैं आपके पोते की गाड़ी में स्टेशन तक नहीं जाना चाह रही, शहर की बात आप कर रही हैं। क्यों कुछ कहा है उसने? जो भी उन्होंने मेरे बारे में आपको कहा था मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब आप छोड़े, मैं आपको वहीं जाकर कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, पहुंचते ही फोन कर देना। दिल बहुत उदास हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है नोमी आप चले जाओ, ट्रेन उधर है। ठीक है ठीक है। अपने मम्मा जी अपना ख्याल रखिए। हेलो कामिल जी, मैं अभी ट्रेन में बैठने वाली हूँ। गुड, वेरी गुड। दादो कैसी हैं? मैं कैसी होंगी, अभी भी हॉस्पिटल में, इतनी जल्दी थोड़ी ठीक होंगी। ठीक है आप बस मेरे साथ रास्ते में रहें। ठीक है। अरे मेरी जान फिक्र क्यों करती हो, ट्रेन स्टेशन पे बाद में पहुंचेगी, मैं पहले से ही मौजूद हूँ वहाँ पे। हाँ तुम फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये क्या अम्मां, आपने खाना भी नहीं खाया, वैसे के वैसे ही रखा है। गरम करके ले आती हूँ फिर आप खाना खा लें। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरा जी नहीं चाह रहा, बस तुम ये ले जाओ मैं नहीं खाऊंगी। आप दवाइयां खाती हैं अम्मा जी, खाना तो आपको पड़ेगा ना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी परेशान हूं मैं, निम्रा किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। आप तो खामखा में परेशान हो रही हैं अम्मा जी, आप खाना खा लें फिर निम्रा से बात करवाते हैं आपकी। और वैसे भी जो आजमाइश आनी थी वो तो आ गई ना, अब इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं अम्मा जी। आप खाना खाएं फिर हम सब निम्रा से बात करेंगे, मैं जमशेद को भी बुला के लाती हूँ। जब से सरबत आपा की तबीयत का सुना है मेरा तो दिल बड़ा बेचैन, अल्लाह उन्हें सेहत दे। नानी जान अब तक तो निम्रा पहुंच भी चुकी होगी। कहाँ बेटा, अभी तो कुछ टाइम लगेगा। सरबत खाला के अलावा किसी और का नंबर भी तो नहीं ना, और खाला तो हॉस्पिटल में होंगी। अम्मा आपकी कॉल आ रही है, सरबत खाला की कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जमशेद बात कर रहा हूँ जी, निम्रा का चचा। निम्रा से ज़रा बात हो सकती है? असल में उसकी दादी बहुत उदास हो रही है, उसके लिए वो बात करना चाहती है। दादी बात करना चाह रही है, तो इसका मतलब कि दादी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर हैं जी, बस वो उदास हो रही थी इसलिए कह रही थी ज़रा मेरी बात करवा दीजिए, आप प्लीज़ ज़रा बात करवा दें जी। एक मिनट, अम्मा
निम्रा के चचा की कॉल है, दादी बात करना चाह रही हैं। उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। हेलो, अमीना बेगम बात कर रही हूँ। आप जो कह रहे थे दोबारा से कहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि निम्रा की दादी उसके लिए बहुत उदास हो रही हैं, वो बात करना चाह रही हैं उससे। आप जमशेद बात कर रहे हैं? जी मैं जमशेद बात कर रहा हूँ, लेकिन सरवत आपसे बात करवाएंगे आप मेरी? आपकी आवाज से क्यों लग रहा है कि आप कुछ परेशान हैं? वो कामिल का फोन आया था, उसने बताया कि सरवत आपा की तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि वो हॉस्पिटल में है, और उसने तो निम्रा को जल्दी पहुंचने की ताकीद की थी। आप मुझे ये बताइए कि निम्रा निकली तो नहीं है ना? वो तो फौरन ही निकल गई थी कराची से, बल्कि अब तो पहुंचने वाली होगी। कौन सी ट्रेन पे आ रही है वो, प्लीज आप मुझे जरा फौरन बताइए प्लीज। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? आज तो मेरा दिल दोपहर से इतना परेशान था, अल्लाह रहम करे, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? अरे सब खैर तो है ना जमशेद, क्या हुआ है मुझे कुछ बताओ तो सही। भाई मैंने तो शालीमार पे बिठा दिया था उसको फौरन, मैंने तो कहा भी कि गाड़ी से चली जाए, लेकिन उसने कहा नहीं मैं ट्रेन पर ही जाऊंगी। आप फौरन मालूम करवाइए और मुझे फोन जरूर कर दीजिएगा जैसे ही वो पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता! अरे मुझे भी तो बताओ जमशेद आखिर हुआ क्या है? शाइस्ता फारिस को बुलाओ फौरन। मैं सादिक भाई को फोन करता हूँ, हमें रेलवे स्टेशन पहुँचना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जमशेद मुझे भी तो बताओ आखिर हुआ क्या है? अरे अम्मा वही फ्रॉडिया कामिल, उसने हमारी बच्ची के साथ झूठ बोला है। उसने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फौरन हैदराबाद पहुँचे, वो ट्रेन पे आ रही है। मगर उसने ऐसे झूठ क्यों बोला, हैरत है मुझे। आपकी समझ में बात क्यों नहीं आ रही है अम्मा, वो उसे अगवा करना चाहता है, हमसे दूर लेके जाना चाहता है। खुदा खरीद करे से लोगों को। तुम फारिस को बुलाओ ना, फौरन बुलाओ, मैं सादिक भाई को फोन करता हूँ। अरे कौन सी ट्रेन है, कितना वक्त रह गया है जमशेद, देर मत करो खुदा के लिए। जी सादिक भाई, सादिक भाई नहीं नहीं खैरियत नहीं है सादिक भाई, बस आप फौरन निकलिए। अरे खुदा के लिए क्या हो रहा है ये, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, कहाँ है मेरी निम्रा? मेरी निम्रा को अपने अमान में रख। जमशेद गए ना अम्मा जी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या हुआ है? तो समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। सब खैरियत तो है ना नानी जान? बस दुआ करो बेटा सब खैरियत। क्या कर दिया मैंने? निम्रा बाजी कॉल नहीं उठा रही। अरे नानी ट्रेन में सिग्नल्स का इशू होगा, आप टेंशन मत लें, कामिल भाई है ना उनके साथ, वो कोई गैर तो नहीं है, उनके शौहर हैं। अरे कैसा शौहर? उस शौहर से हिफाजत के लिए तो सरवत आपा ने यहाँ मेरे पास कराची भेजा था उसे। मेरी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे, कामिल की एक कॉल पर उसको भेज दिया। काश कि मैंने रोक लिया होता उसे। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप, कामिल से हिफाजत? हाँ बेटा सही कह रही हूँ, सरवत आपा ने ये निकाह बड़ी जल्दी में किया, निकाह करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कामिल तो निम्रा के काबिल ही नहीं था, देखो धोखा दिया ना उसने, झूठ बोलकर उसने बुलवा लिया निम्रा को, मुझे तो उसकी नियत में खोट लग रहा है। अब क्या होगा, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, निम्रा तो कॉल भी नहीं उठा रही है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। बेल जा रही है, मेरी बात कराओ। हेलो हेलो निम्रा बाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सुने, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, वो मैसेज देख लें। ठीक है, क्या कह रही है? आप मैसेज करें निम्रा बाजी को। देखो उसने देखा? नहीं अभी नहीं देखा, सेंड कर दिया। हेलो, एक तो अम्मा तू भी ना अजीब ही वक्त पे फोन करती है। हाँ हाँ, तो मुझे सूरत हाल से आगाह करते रहना। अरे क्या अजीब बच्चों वाली बातें कर रही है तू, अगर मैंने तेरे से निम्रा के सामने बातें की ना तो उसे शक हो जाएगा। अच्छा तू मेरी बात सुन, तूने सारी चीजें तैयार रखी हुई है ना? हाँ हाँ सब समेट लिया मैंने। चल ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे। चलो ठीक है। हेलो
अम्मी 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अम्मी वो दादू इतना परेशान क्यों है? छोड़ो उन्हें, जाओ जाके तुम पढ़ाई करो, यहाँ क्यों खड़े हुए हो? मैंने कहो ना, बड़ों में मत घुसो, जाओ। अगर अब्बा के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ गई, कामिल तो निम्रा को ले जाएगा। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, हटो। सादिक भाई वो रही निम्रा, इससे पहले कि कामिल आ जाए इसको बुला के लाइए। निम्रा बेटा इधर। चाचा दादू ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें सादिक भाई सारी बात बता देंगे। बेटा कामिल ने तुमसे झूठ बोला है। क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला है? क्यों? ये सारी बात घर चल के तफसील से करते हैं। तुम फौरन निकलने वाली बात करो। आओ निकलो निकलो। ने मुझे मैसेज कर दिया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतना बड़ा झूठ दादू, उसने ऐसा क्यों किया? वो मुझसे क्या चाहता है? आज तक तुमसे छुपाती रही इसलिए ताकि वो सुधर जाए, अपनी गलतियां सुधार ले, इंसान का बच्चा बन जाए। क्या गलतियां चाची, क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है? अरे वो पक्का जुवारी था, दो नंबर का खिलाड़ी। अरे इनकी तरफ क्या देख रही है तुम? ये तो बेचारी सीधी सादी उनकी बातों में आ गई माँ बेटे की। ये तो तुम्हारे चाचा ने उन पे से पर्दा उठाया है। चलो अल्लाह बेहतर करे, अब तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। दादी अगर वो घर में घुस आया, मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया, रिश्ता भी ऐसा कि कोई कुछ कह नहीं सकता। इतनी जुर्रत नहीं है उसकी कि यहाँ घुस आए टांगे तोड़ के रख देंगे, और कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। बेटा हमने उनसे कहा है कि हमें किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना, हमारी बच्ची को तलाक दे दे। हाँ तलाक? दादू ये क्या कह रहे हैं? अरे बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, तुम्हें रिश्तों की कमी है, अपने घर में बैठी हो। अरे एक छोड़ो तुम्हें हजार रिश्ते मिल जाएंगे। अच्छा बच्ची परेशान हो रही है ना, बेटा सफर करके आई हो, थकी हुई हो, जाओ कुछ देर आराम करो, और तुम जरा फोन करो उन भले लोगों को जिन्होंने हमें इत्तला दी थी, उनका शुक्रिया अदा करो और उनसे कहो कि बच्ची खैरियत से घर पहुंच गई। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, कल हबीबा और अनीला को लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दादू बताए मुझे, दादो बताएं मुझे क्या, कौन सी गलतियां चाची क्या कह रही हैं? दादो चलो निम्रा आओ, शाबाश थोड़ी देर आराम कर लो, चलो आओ, चलो अपने कमरे। अम्मा आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? आप तो कम से कम हौसला दिखाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बच्ची खैरियत से घर आ गई। आप परेशान होंगी तो आपको देख के वो और परेशान हो जाए।
से ख्याल से इसमें शीशे के बर्तन तोड़ ना देना कहीं। सुजुकी वाले भाई, ये बक्सा ऊपर रखना, बर्तन है इसमें, कांच का तोड़ ना देंगे। अकेले क्यों आयो, वो कहाँ है? माँ सामान वापस रखवा, हम कहीं नहीं जा रहे। सर बताओ, बात सुनो, जो भी सामान रखा है गाड़ी में वापस अंदर रखो। लगता है तू गड़बड़ करके आया, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। मरेंगे ना अम्मा, सिर्फ हमारे दुश्मन। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कह रहा था वो कराची से आ रही है। तो आ गई ना। फिर जब मैं स्टेशन पे लेने के लिए उसको पहुंचा तो उसके होते सोते पहले से ही वहां पे खड़े हुए थे, मुंह देखता रह गया, ले गए मेरी आंखों के सामने उसे। तो समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या, खून खोल रहा है मेरा। अम्मा मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया ना तो आग लगा दूंगा सबको मैं।